डिग्री की मदद से आपने हांडी में इस तरह लगाना है। डेगची को आपने इस तरह कढ़ाई के अंदर रख देना है और ऐसे ऐसे आपने फेरते जाना है ताकि बाहर वाली साइड से ऑयल जो है वो निकल जाए। फिर आपने जो है वो ऐसे ऐसे जो है ना पानी को उठाना है और डेगची को वॉश करना जो है वो शुरू कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ जी आज का प्यारा सा व्लॉग करते हैं शुरू। हमने दो दिन पहले एक मट्टी का डिनर सेट लेके आए थे, उसके हमने व्लॉग बनाए तो माशाल्लाह से बहुत हिट वो हमारे व्लॉग गए। तो कल से हमने अपनी स्पेशल रेसिपीज़ का जो था आगाज़ करना था, तो हमने सोचा कि अपने बर्तन जो है ना उनको हम इस्तेमाल में लाएँ। तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से पहले जो है ना कौन कौन सा प्रोसेस करना होता है, तो वो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अपना डिनर सेट जो है वो लगा दिया है डब्बे से निकाल कर, और ये हांडी है और यहाँ पर पड़ी हुई है कढ़ाई। तो सबसे पहले हम जो देख लें जी, हांडी बिल्कुल खाली है और अभी जो इस्तेमाल में नहीं आई, तो हमने अब इसको इस्तेमाल में लेके आना है। हाँ जी, तो सबसे पहले जी रुई ले लेनी है। इसकी मदद से आपको आपने जो है ना वो हांडी को अच्छी तरह से जो है ना वो कर लेना है साफ़। तो देख लें जी, हांडी बिल्कुल हमारी जो है वो साफ़ हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा आपने लेना है सरसों का ऑयल और इसको आपने जो है वो हांडी में लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा आपने लेना है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो फिर ये रुई जो है ना, रुई की मदद से आपने हांडी में इस तरह लगाना है। हांडी के अंदर अच्छी तरह आप लगाएंगे ताकि कोई सुराख वगैरह हो ना तो वो फील हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें जी हांडी के अंदर मैंने ऑयल लगा लिया, तो अभी हांडी के बाहर लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हांडी के बाहर भी लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल और लेंगे क्योंकि ऑयल हमारा थोड़ा था, तो अब जो है थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, हाथ पे ही डाल लेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह, तो इसको अच्छी तरह से जो है ना इसकी बाहर वाली साइड पर भी जो है ना वो लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी तरह से हमने हंडिया को ऑयल लगा लिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे और कढ़ाही की बारी आएगी। अब कढ़ाही को भी सेम इसी तरह हमने जो है ना वो ऑयल लगाना है। बिस्मिल्लाह, ये देख लें जी कढ़ाही हमारी जो है बिल्कुल अभी नई हालत में, इसको भी हमने इस्तेमाल में लेके आना है। तो इसको भी हम थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, तो रुई की मदद से इसको भी इस तरह जो है ना आपने लेप कर देना है फुल बॉडी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त जो है ना वो शाइन कर रहा है, क्योंकि धूप भी है हल्की हल्की सी और शाइनिंग भी आ रही है। सेम इसी तरह हमने जो है कढ़ाही के बाहर वाली साइड पर भी जो है ना वो ऑयल लगा देना है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब ये स्लीपी हो गया। तो देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी कढ़ाई जो है ना बिल्कुल ऑयल से जो है ना शावर हो चुकी है। देख लें जी कितनी खूबसूरत जो है ना वो चमक आई है इसकी, और बैक साइड से भी देख लें माशाल्लाह से ऑयल जो है ना वो पूरी बैक साइड पर भी लगा दिया है। इसका मकसद यही होता है कि कोई सुराख वगैरह हो तो वो जो है ना वो ऑयल से भर जाता है और फिर हमारी हांडी में से कोई भी चीज़ अगर हम पकाएं तो वो लीकेज नहीं होगी। तो इसको इसी तरह हमने छोड़ देना है 3 से 4 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑयल लगाए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और सूरज भी बहुत तेज़ निकला है, शाम के 4 बज चुके हैं। और ये पानी की बोतल है जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना इस डेगची को वॉश करना है ताकि ऑयल वगैरह जो है ना वो जो है हम उसको साफ़ कर लें अच्छी तरीके से, ताकि अगर हम इसको रखें तो डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना आए।
तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसमें पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाह कढ़ाही में पानी भर लेंगे ताकि पानी हमारा ज़ाया भी ना हो और हम देगची भी उससे धो लें और अपनी जो है कढ़ाही भी उससे जो है ना वो हम अच्छे तरह से वॉश कर लें। देगची को आपने इस तरह कढ़ाही के अंदर रख देना है और ऐसे ऐसे आपने फेरते जाना है ताकि बाहर वाली साइड से ऑयल जो है वो निकल जाए। फिर आपने जो है वो ऐसे ऐसे जो है ना पानी को उठाना है और देगची को वॉश करना जो है वो शुरू कर देना है। पहले अच्छी तरह से हम बाहर वाली साइड को वॉश करेंगे, उसके बाद जो है हम अंदर वाली साइड को वॉश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें जी, बाहर वाली साइड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो साफ़ हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें जी, हमारी देगची जो है वो बिल्कुल जो है बाहर वाली साइड से जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने अंदर वाली साइड से जो है ना इसको धोना है अच्छी तरह, ताकि ऑयल जो है वो वहाँ से भी हम ईज़िली वॉश कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऐसे दो तीन बार आपने हाथ हिलाना है और हमारा ऑयल जो है ना वो इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी हांडी जो है अब चूल्हे पर रखने के लिए जो है वो रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। और माशाल्लाह से देखें जी, चूल्हे का साइज़ भी हमने इसी हिसाब से बनाया था ताकि हमारी हंडिया जो है इजीली इसके ऊपर जो है ना वो आ जाए। तो अभी जो है हम दोबारा से अपनी कढ़ाही को यूज़ साफ़ करते हैं अच्छी तरह, और ये वाला जो ऑयली पानी है इसके अंदर आप लोगों ने अपने दूसरे बर्तन भी धो लेने हैं, गिलास वगैरह, ताकि इनमें भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम वगैरह होना तो ये भी ईज़िली जो है ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमने ग्लास अपने धो लिए हैं अच्छी तरह, और बाकी ये वाली चीज़ें जो हैं ग्लेज्ड प्यालियाँ इनको भी हमने धो लेना है अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी छोटी प्लेट्स किनाली टाइप चावल वगैरह खाने के लिए, इनको भी हम अच्छी तरह से जो है वो माशाल्लाह से वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने नहीं धोना क्योंकि ये लकड़ी के हैं, और ये वाली दो अदद प्लेट्स जो है ना इनको हम माशाल्लाह से जो है ना अच्छे तरीके से इनको भी हम वॉश करके रख लेंगे। जग को आपने ख़ास जो है ना वो धोना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो मिट्टी का होता है और ग्लेज नहीं होता, इसलिए जो है ना इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जग भी जो है ना वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जस्ट एक प्लेट रह गई है, इसको भी हम अच्छे से जो है ना वो वॉश कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पूरा डिनर सेट जो है ना वो अच्छी तरह से ऑयल से हमने उसको पहले ऑयल लगाया, उसके बाद हमने उसको पानी से अच्छी तरह से वॉश किया। तो अभी हमारे पास जो है ना वो जस्ट हमारी कढ़ाही रह गई है साफ़ करने वाली, तो इसको भी हम जो है ना वो माशाल्लाह से अंदर वाली साइड से अच्छी तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया है, और इसका ये ढक्कन है इसको भी हम जो है ना वो वॉश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखें पूरा डिनर सेट हमारा जो है ना वो हो चुका है रेडी। Yeah.
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्तन हमारे जो है ना वो हमने धो लिए हैं। अभी हम इनको तकरीबन 1 घंटा के लिए धूप में रख देंगे। धूप बिल्कुल तेज़ है और बिल्कुल जो है हमारे बर्तन के ऊपर ही आ रही है, ताकि ये धूप में इनको हम अच्छी तरह से खुश्क कर लें। अगर हम इनको खुश्क नहीं करेंगे तो ये देखें इनके अंदर फिर जो है ना उल्टी या फंगस वगैरह लगने का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए हम इनको तकरीबन आधा घंटा के लिए इसी तरह ही छोड़ देंगे। तो ये था छोटा सा आसान सा तरीका मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने से पहले इनको धोना, ऑयल वगैरह लगाना। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। दिलावर अली को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।